हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज मज्जू चौधरी। आइए जानते हैं लक्षद्वीप संकट जो चर्चा में रहा वह क्या है। वर्तमान में सरकार की नीतियों के कारण प्रशासन के विरुद्ध यहां तीव्र जन प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय प्रदेश है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही जो भी प्रस्तावित नीतियां हैं उनका समर्थन होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। तीन यहाँ के विकास विनियमन प्राधिकरण के कारण विरोध जो है वह ज्यादा बढ़ रहा है। पहला है प्रारूप लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इस प्रारूप के अंतर्गत यहाँ के जनजातीय समूह और द्वीपवासी के स्वामित्व की संपत्ति का सरकारी अधिग्रहण, सरकारी विलय के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएं हैं वह हो रही हैं। दूसरा है पंचायत विनियमन 2021। इसके अंतर्गत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय चुनाव में लड़ने से अयोग्य करार दिया जाता है, तो ऐसे में जब लक्षद्वीप की जनसंख्या मात्र 65,000 है, इसका कोई अर्थ नहीं था। तीसरा है असामाजिक गतिविधि निषेध अधिनियम। इसके अंतर्गत सार्वजनिक प्रकटीकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को 1 साल की अवधि तक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। तो जबकि वर्तमान में कानूनी ढांचा पर्याप्त था तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इन तीन विनियमनों 2021 के खिलाफ लक्षद्वीप में जो सरकार का विरोध है, प्रशासन की नीतियों का विरोध है, वह चल रहा है। यही है लक्षद्वीप संकट। थैंक यू।